हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निमास किचन। तो आज हम बनाएंगे चाइनीज़ स्टाइल वेज फ्राइड राइस, जो कि खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। चाइनीज़ खाना तो हर किसी को बहुत पसंद होता है, स्पेशली बच्चों को, और मंचूरियन फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो मंचूरियन की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर करी हुई है, आज मैं आपके लिए वेज फ्राइड राइस की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास बासमती चावल लिया है। आप हमेशा फ्राइड राइस बनाने के लिए बासमती चावल का या फिर बिरयानी राइस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही इजीली मिल जाता है मार्केट में। अब हम इसे दो तीन पानी से अच्छे से धुल लेंगे जो है, और फिर इसको 20 मिनट के लिए हम भिगो करके छोड़ देंगे। तो बस इस तरीके से आप इसको पानी में भिगो दें और इसको दो तीन पानी से अच्छे से बहते हुए पानी से धुल लें और फिर इसको 20 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दें। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चावल काफ़ी अच्छे से फूल गया है। इसको बहुत ज़्यादा देर भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस 20 मिनट सफिशियंट होता है। तो उसको चावल को मैंने स्ट्रेन आउट कर लिया था, पानी हमने पहले ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और जो चावल हमने छान के रखा था वो सारा चावल हम इसमें डाल देंगे। जैसे हम नॉर्मल चावल को पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसे पका लेंगे, मगर बस इसे ओवर कुक नहीं करेंगे कि मतलब एकदम मैशी सा हो जाए, हल्का सा एकदम एक दांत कड़ा रहेगा, बस हम इसे स्ट्रेन आउट कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल चावल को कुक करते हैं वैसे ही आप इसे पहले ढक करके पका लें। ऐसे हम इसके ऊपर लिड लगा करके इसको ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने लगेगा हम जो है लिड को हटा देंगे। तो बस अब पानी में अच्छे से बॉयल आने लग गया है, हम लिड को हटा देंगे और अब हम इसे ऐसे ही खुले में पकाएंगे। चावल बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होना चाहिए। हमेशा फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल आप 3-4 घंटे पहले ही बॉयल करके रखें, जिससे कि चावल अच्छे से ठंडा हो जाए, तभी आपके फ्राइड राइस एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर आपका चावल बिल्कुल गर्म रहेगा तो बिल्कुल भी परफेक्ट फ्राइड राइस नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चावल का दाना तोड़ करके देख लिया था, हल्का सा वो इसमें कसर थी मगर एकदम परफेक्ट ये पक चुका था, मतलब कि हाथ से टूट रहा था। तो बस अब हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद इस तरीके से हम इसको किसी भी बड़े बर्तन में फैला देंगे। तुरंत चावल को फैला दें छानने के बाद, जैसे ही उसका सारा पानी निकल जाए, जिससे कि जो चावल है वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाए। चावल को ठंडा करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्राइड राइस में। तो बस हम अपने जो है फ्राइड राइस बनाएंगे। तो लगभग 3-4 घंटे के बाद मैंने ये फ्राइड राइस बनाया था, जिससे कि हमारे चावल काफ़ी अच्छे से ठंडे हो जाएं। गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे, कोई भी वॉक कढ़ाई आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हम रिफाइंड का ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें 7-8 टुकड़े बारीक कटे हुए लहसुन के डाल देंगे, 1 टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इस सबको डाल करके हल्का सा अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल भी भूनना नहीं है, गैस की फ्लेम को हाई रखना है और सिर्फ इसको हल्का सा मिक्स करना है। अब हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी प्याज डाल देंगे और इन सबको डाल करके हम अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर। वैसे तो चाइनीज़ खाना हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनाया जाता है, बट अगर आप मैनेज ना कर पाएँ हाई फ्लेम तो आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई बीन्स डाल देंगे और आधी हम इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। सब्जियों का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं भूनना है कि वो बहुत सौगी हो जाए, उनका क्रंच हमेशा सब्जियों का बरकरार रहना चाहिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जो है विनेगर डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1/2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे और इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर कितना ज्यादा प्यारा आया है। अब हम इसमें 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे
और एक चम्मच हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस ना हो तो आप ग्रीन चिली सॉस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सोया सॉस मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसमें आधा चम्मच सोया सॉस और डाला है, मतलब कि टोटल मैंने इसमें 1.5 चम्मच सोया सॉस डाला है। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब आप देख सकते हैं सब्जी कितना ज़्यादा प्यारा, सब्जी का कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छे से कुक भी हो चुकी है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम हमेशा हाई रखेंगे वरना सारे मसालों और ये सब चीजें डालने के बाद जो है सब्जियां पानी छोड़ने लगेंगी, आपका चावल एकदम सौगी सौगी सा हो जाएगा। तो बस नमक डालने के बाद इसे फटाफट मिक्स करने के बाद हमने जो चावल ठंडा करके रखा था वो सारा चावल हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम एक हाई रखेंगे, बिल्कुल भी इसे लो नहीं करना है वरना जो सब्जियां है वो आपकी एकदम सौगी होने लगेंगी और ओवर कुक हो जाएंगी। तो बस फटाफट इसमें सारा चावल डाल दें, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आप इस मंचूरियन और फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। चावल डालने के बाद आप इसको बस फटाफट मिक्स करें, तो बस इसको इस तरीके से फटाफट मिक्स कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं चावल पहले ही बॉयल करने से ठंडा हो गया था, जिससे कि बहुत ही अमेजिंग फ्राइड राइस बनता है। बिल्कुल भी चावल टूटते नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये खाने में। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अगर आपको चाइनीज़ खाना खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं फ्राइड राइस कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में और खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये। तो बस हमारा फ्राइड राइस बन करके बिल्कुल तैयार है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको सर्व कर दिया था, मैंने बकायदा मंचूरियन और फ्राइड राइस साथ में बनाया था, तो आप भी इसको साथ में बना के ट्राई करिएगा। वैसे भी ये फ्राइड राइस बहुत ही अमेजिंग लगता है, आप इसको ऐसे कोरा भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।